वहीं गढ़वा में बीजेपी के कई कार्यकर्ता जेएमएम में शामिल हो गए। गढ़वा विधायक और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर यह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री ने सभी लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने मिथिलेश ठाकुर को जिताने का दावा किया। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इन सभी के आने से जेएमएम को और मजबूत होने की बात कही। और ज्यादा मजबूत, ऐसे मजबूत तो बहुत है लगातार। अब मुझे तो लग रहा है कि जो सिलसिला यहाँ शुरू हुआ है, आने वाले 13 तारीख को शायद ही कोई प्रत्याशी अपनी जमानत बचा पाए, जो दिख रहा है धरातल पर। और ये सबसे बड़ा संदेश है वैसे लोगों को कमजोर करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, और जो मूल मंत्र है इस लोकतंत्र में, संविधान में, जनता को अपने वोट का अधिकार विकास के लिए, सरकार की योजनाओं के लाभ के लिए, आज गढ़वा में पूरी तरह से दिख रहा है। आज गढ़वा